स्मॉल को लार्ज बनाऊंगी और जो फटा है ना उसको एकदम अच्छे से रिपेयर करूंगी, वो भी स्मार्ट तरीके से। कुर्ती टाइट है और इसको आपको लूज करना है, कमर से टाइट है, वेस्ट से टाइट है, तो एक तरीका अपनाएंगे जो आसान भी है और साथ ही साथ बहुत स्मार्ट भी है। देखिए ये है मेरी पुरानी कुर्ती, साइज है इसका स्मॉल और अब मैं इसको बनाऊंगी लार्ज साइज में, मीडियम भी नहीं, मैं इसको लार्ज साइज में बनाऊंगी और जैसी ये है ये वैसी ही रहेगी, साथ ही साथ ये और अच्छी भी बन जाएगी। मतलब इसमें ना इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि देखने में खराब लगे, ऑल्ट्रेशन लगे, जी नहीं, थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाएंगे जो आजकल चल रहा है। ये देखिए मैंने सारी सिलाई इसमें खोल दी है, ये अस्तर वाली कुर्ती है और साथ में इसके लाइनिंग भी अटैच है, ठीक है, तो अभी भी लाइनिंग अटैच है इसके साथ में, बस जितनी भी जो फिटिंग की सिलाई है वो मैंने पूरा खोल दिया और दोनों पार्ट्स को अलग कर दिया। तो देखिए काफ़ी स्पेस है इसमें खोलने के बाद और दो दो इंच का इसमें अभी भी मार्जिन है, लेकिन ये जो आप कट देख रहे हैं ना, ये कमर पे जो कट लगते हैं नॉचेस वगैरह ये वही हैं। अब अगर मैं सीधे ऐसे सिल दूँ तो कुर्ती तो मेरी ठीक हो जाएगी, लेकिन इसमें ये जो नॉचेस है इसकी वजह से फिटिंग नहीं आएगी, तो फिटिंग पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो कपड़ा मेरे पास है लेकिन अभी भी मैं इसको फिटिंग नहीं दे सकती क्योंकि इसमें बीच से कट लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने लूज करने के लिए पूरा यहाँ तक खोल दिया, साथ में थोड़ा सा चौक भी खोल दिया क्योंकि मैं चौक को भी थोड़ा सा बढ़ाऊंगी, कमर का साइज बढ़ाने के लिए चौक को ओपन करना जरूरी था, बस थोड़ा सा ही ओपन करा है और स्लीव की भी फिटिंग को थोड़ा सा लूज करूंगी, तो थोड़ा सा मैंने खोल लिया। यहाँ पर लंबाई बढ़ाने के लिए मैं ले रही हूँ ये प्लेन सेम कलर का कपड़ा, मैं प्रॉपर फिटिंग भी दे सकती थी लेकिन कट की वजह से प्रॉपर नहीं आ पाएगा, इसलिए प्लेन कपड़ा लगा रही हूँ। तो आपको जहाँ पे भी फिटिंग करनी है, जहाँ पे भी ऑल्ट्रेशन करना है, उतना लंबाई नाप लें। तो मैं ऐसे ऐसे लेके स्लिट तक नाप लूंगी, ये है टोटल 15 इंच, 15 इंच लंबा मुझे कपड़ा चाहिए, 1 इंच इसमें और बढ़ा दें तो टोटल हो जाएगा 16 इंच, तो 16 इंच लंबा मैं यहाँ पे कपड़ा लूंगी। तो ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है और 2 इंच चौड़ा ये मैं पट्टी रख रही हूँ इसकी और 2 पीसेस में इसको कट कर लूंगी। इसके अलावा कोई भी अपोजिट लेस ले सकते हैं आप या सेम कलर भी ले सकते हैं, लेकिन अपोजिट कलर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, सेम कलर में दिखेगा भी नहीं। और यहाँ पे नेट मेरी थोड़ी सी चौड़ी है ये लेस नेट की और मैं इसको ना थोड़ा सा कट कर लूँगी ताकि बाकी जो है ये नेट वाला लेस ये कहीं और भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जो हल्का सा कर्व है ना वहाँ तक मैं इसको कट कर लूँगी और इसको कुछ डिज़ाइन से मैच करते हुए इसको हम अपने कपड़े पर अटैच कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने ऊपर वाला पोर्शन स्लेट पे लगा दूंगी और बाकी जो ये फ्लावर वाली लेस है ना इसको आप नेक पे लगा सकते हैं। अब इसको चारों तरफ से अटैच कर दीजिए और बाकी जहाँ पे कर्व है वहाँ पे कपड़ा अंदर की ओर दबा दें तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें अटैच हो जाएगी। पहली पट्टी को रेडी करने के बाद अब कुर्ती को जो हमने लूज करा था उसको सिल लें, तो जितना कपड़ा बढ़ा सकते हैं जितना आपसे हो सकता है उतना कर लें, ठीक है। तो देखिए कुछ शेप इस तरीके से बन जाएगा क्योंकि ये लूज हुआ है, कपड़ा आपका इस तरीके से आ जाएगा और जितना मतलब कट को छोड़ करके, ठीक है, उतना आप जितना निकाल सकते हैं उतना इसको फिट कर लीजिए। तो ये हो गया, अब कुर्ती भी आपकी लूज हो गई लेकिन ये अब देखने में अच्छी नहीं लगेगी। अब यहाँ पर अपनी स्ट्रिप को अटैच कर सकते हैं। दोनों साइड की पट्टियों को अटैच करने की शुरुआत करेंगे हम लोग स्लेट से, जी हाँ नीचे से शुरुआत करेंगे। और देखिए चौड़ाई बढ़ानी है तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से रखना है, कुर्ती तो ऑलरेडी आपकी लूज हो चुकी है, स्लिट भी मैंने खोली थी तो काफ़ी इसमें भी लूज हो चुका है, लेकिन यहाँ पर शेप देने के लिए आपको इस तरीके से रखना है, नीचे से ऐसे इस तरीके से रखेंगे ये देखिए, और इसको नीचे से फोल्ड करके इसमें हम जैसे हम शेप देते हैं वी शेप में इसको इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। आपको थोड़ा सा फैला लें और इसके ऊपर लेस जो हमने रेडी करी थी ऐसे रखें, अब यहाँ से स्टिच करके एक ऊपर भी इसको लॉक कर दें, उसके बाद दोनों साइड से इसको ज्वाइन कर लें। दोनों साइड में इसी तरीके से पट्टियों को अटैच कर लेंगे और इसको कर लेते हैं कंप्लीट। तो ये देखिए ये है इसका फाइनल लुक, बहुत ही अच्छे से इसमें ऑल्ट्रेशन हो गया है, 4-4 इंच की दोनों साइड से लूजिंग हुई है और ये कुर्ती थी स्मॉल साइज की और अब ये बन गई है लार्ज साइज, जी हाँ मीडियम भी नहीं, मैंने इसको लार्ज साइज का बना दिया, 4-4 इंच का लूजिंग कर दी है और देखने में भी बहुत स्मार्ट लग रही है, आप इसको आराम से पहन सकते हैं, इस समर में पहन सकते हैं, इसीलिए मैंने कॉटन की वाइट कलर की लेस लगाई है और कॉटन की ही लगाइएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ट्रेंड में भी है और स्लिट भी काफ़ी चौड़ी हो गई है। तो अब आप इसे इस तरीके से बनाइए, आपकी कोई भी कुर्ती जो इतनी टाइट है उसको लूज कर सकते हैं इस आसान तरीके से। ये जो लेस बच गई थी इसको आप चाहे तो नेक पे भी इस तरीके से टर्न करते हुए डिजाइनिंग कर सकते हैं, बहुत आराम से ये लग जाती है। तो आपके पास भी कोई फेवरेट कुर्ती हो जो बहुत टाइट है या फिर बहुत स्मॉल है, इसको भी अपने साइज में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं।
कुर्ती का ऑल्टरेशन तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपके पास इस तरह की ट्राउज़र हो जो पुरानी हो गई हो या फिर जल गई हो, फट गई हो, लेकिन ये ना तो जली है ना ही फटी है, इसको चूहों ने कुतर दिया है, तो ऐसे में इसे साइड से खोलूँगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और इसमें समय भी बहुत चला जाएगा, और वैसे भी देखिए इसमें इंटरलॉक है तो बहुत मुश्किल वाला ये काम है। तो मैं इसको बिना खोले ठीक करूँगी एक सिंपल सी ट्रिक के साथ। तो यहाँ पर भी मैं अपनी सेम वही पुरानी लेस लूँगी। सबसे पहले दोनों जो आपके ट्राउज़र हैं उनको एक बराबर ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए पहले अच्छे से इनको सेट कर लीजिए क्योंकि हम निशान लगाने जा रहे हैं और वो एक बराबर ही लगने चाहिए। तो दोनों को अच्छे से सेट कर लेंगे और देखेंगे हमारा जो कट है या फिर जहाँ पे भी वो जला हिस्सा है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो उसे थोड़ा सा ऊपर की ओर मैं निशान लगा रही हूँ, ये देखिए थोड़ा सा आगे की ओर स्केल कर दें और इसको एक पूरा निशान लगा दें। अब यही निशान दूसरे साइड से भी लगा लें। दोनों साइड से निशान लगाने के बाद लेस को लीजिए और ये देखिए ये प्रॉपर पूरा कवर हो रहा है। जी हाँ, ये देखिए पूरा कवर हो जा रहा है। अब आपको दोनों साइड से इसको सिलना है। मैंने निशान फ्रंट में भी लगाए हैं और सेम निशान पीछे बैक साइड में भी लगाया है क्योंकि ट्राउज़र है थोड़ा कम चौड़ा है, तो अगर आप बिना निशान लगा के सिलेंगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको दोनों साइड से निशान लगा दिया। तो मैं ये पूरा रखूँगी, रख के ये मैं चेक कर रही हूँ कि ये बिना ऊपर वाले कट के अच्छा लग रहा है किस तरीके से। तो ये मैं पूरा ही लगा रही हूँ क्योंकि मेरा जो कट है ये काफ़ी बड़ा है। अब इसको इस तरीके से रखिए और इसको सिल दीजिए दोनों साइड से। बस कुछ मिनट में आपकी पूरी ट्राउज़र रेडी हो जाएगी और एक इसमें नया लुक भी आ जाएगा। और अच्छा करना है तो आप नीचे बॉटम साइड में भी सेम लेस को लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से रेडी हो गया और मैं आपको पहन के भी दिखा रही हूँ। सिंपल, ईजी और सबसे जल्दी बनने वाला ये आइडिया है, आपको ज़रूर पसंद आएगा आई एम श्योर। आपके पास भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मिनटों में। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जी हाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में हम सब फेस करते हैं और आप इसको इसी तरीके से आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पूरी कोशिश है मेरी कि मैं आपको आसान तरीके से समझाऊँ, फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, उसे शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।